सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीव के जीवन में जब समय की कीमत का ज्ञान हो जाए, अभी तक ऐसे कितने प्राणी हैं घूम रहे हैं जिनको समय की कीमत का ज्ञान नहीं है। किसी को लगा है पैसा कितना इकट्ठा करने, किसी को लगा है कितने बड़े पद पे चले जाएं, किसी को लगा है कितना वैभव मिल जाए। समय की कीमत नहीं समझ में आ रही कि समय की कीमत क्या है। प्यारे भटकते 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 जब समय की कीमत समझ में आ जाए कि पूरे जिंदगी का कमाया हुआ धन खर्च कर दिया जाए और एक क्षण का समय खरीदना चाहे, कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद पाएगा। इतना मूल्यवान है समय, और ऐसे मूल्यवान समय को कहां खर्च किया जाए, ये बात जब विचार में आने लगे, वो निमिष है। एक निमिष समय की कीमत का ज्ञान जब होने लगे, तब उस समय भागवत जी कथा का स्मरण कर लेना चाहिए। समय का वास्तव में सदुपयोग भगवान की परम पावन कथा से ही हो सकता है, अन्यथा समय तो बेकार ही जा रहा है। 88,000 महात्मा बैठे, यज्ञ किए, प्रातरहुत होताग्नय आहुति दे रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, आगे आने वाला बड़ा घनघोर समय है। तो उसी समय सूत जी महाराज आए। सूत जी को सबने अभिनंदन किया, और सौनक जी महाराज 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने। कौन? सौनक जी। देखो कथा सुनने सबको नहीं आता है, कथा सुनने की भी पात्रता होती है, सब कथा नहीं सुन पाते हैं। अरे महाराज, कथा सुनने में कौन डिग्री लेनी है? BA PhD करना है ना, इससे भी बड़ी डिग्री लेना है, तब आप कथा सुन पाएंगे, नहीं कथा नहीं सुन पाएंगे।